नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट के एडमिट कार्ड स्टेटस आ चुका है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं, कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो किस स्टेट में एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है, और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, उसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप इसको करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा एसएससी, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड का जो सेक्शन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एसएससी सेंट्रल रीजन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टेटस स्लैश डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2022 टीयर 1। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालें। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएगी, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी एसएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम। तो उस ईमेल को लॉगिन कीजिए, उसमें सर्च कीजिए एसएससी स्पेस रजिस्ट्रेशन, तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो ये डिटेल डालें, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आपने फॉर्म भरा था एसएससी सीएचएसएल का, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सी सिटी सेलेक्ट की थी एग्जाम देने के लिए, वो सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे डालिएगा और सर्च पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं पता तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना नाम यहाँ पे डालें, फादर नेम यहाँ पे डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें, सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपने कौन सी सिटी ऑप्ट की थी एग्जाम देने के लिए। उसके बाद वेरीफाई ह्यूमन, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करोगे। जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो किस डेट में एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है, और एडमिट कार्ड की बात करें तो जिस डेट में भी आपका एग्जाम है उस डेट से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिए और घंटी दबा कर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।